जैसे माँ बाप के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट अगर देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं। वो कैसे, अगर माँ बाप को कोई बोलता है कि देखो तुम्हारा बेटा कमाल का काम किया है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। आप लोग मानते हैं कि नहीं? कि अगर कोई माँ बाप, जैसे तुम लोग माँ बाप होंगे तब वो एहसास होगा कि अगर तुम्हारा बेटा कुछ करता है, या ऑनलाइन में या पढ़ाई में, या कुछ अचीव कर लेता है, कुछ जॉब कर लेता है, कुछ बड़ी सक्सेस हासिल कर लेता है, तो जब कोई दूसरा आदमी उनके माँ बाप को जाके बोलता है कि तुम्हारा बेटा जो कमाल का काम किया है, तुम्हारा बेटा जो ये काम किया है, तुम्हारी जो बेटी है ये काम किया है, तो उनको सबसे ज्यादा खुशी होती है कि उसका, अब उनके कामयाबी के लिए उसके पापा को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है, वो तो कई साल बाद चले जाएंगे। लेकिन उनके लिए खुशी अगर देना चाहते हैं आप लोग दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, तो अगर आप लोग गिफ्ट देना चाहते हैं, तो अगर आप लोग तैयारी जो कुछ ये की है, अब तो कुछ होगा नहीं, मतलब जितना की है, लेकिन आप लोगों को ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है कि हम लोग तो पढ़ाई नहीं की है। अब जितना हुआ जो चला गया, लॉस्ट टाइम इज नॉट फाउंड अगेन, जो किया हुआ फिर हाथ आता नहीं है। तो टाइम क्या है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रेशियस जो है गिफ्ट है। जो टाइम को सही से यूज करना सीख लेगा वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। बड़े लोगों के लिए टाइम की बहुत वैल्यू है, लेकिन हमारे लिए टाइम की वैल्यू नहीं है। सबके लिए टाइम की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। हम लोग 2 घंटा मोबाइल में यूज कर देते हैं, मोबाइल में ऐसे बॉटमलेस स्पीड में जाते हैं। बॉटमलेस स्पीड जानते हो, जिसका खाई जो है पता नहीं है कहां से है। जैसे मोबाइल में स्क्रॉल करते हो, कभी स्क्रॉल खत्म हुआ है क्या? ये एंड है ये, और नहीं हो आएगा कुछ, खत्म नहीं होगा। उस तरह से बनाया गया है, कभी खत्म नहीं होगा, ताकि लोगों को एडिक्टिव बनाया जाए। कोई भी चीज सोशल मीडिया जो है लोगों को एडिक्टिव बनाया है, मतलब आदि बनाया है। अगर कोई भी आदि बना पाएगा वही दुनिया पैसा छापेगा, छापेगा मतलब समझे ना, पैसा कमाएगा। इंस्टाग्राम पे देखो, फेसबुक में देखो, तुम एक बार देख लिए बाकी कंटेंट पे आते रहते हैं। गाना देख रहे हो, गाना आ रहा है, मोटिवेशन देख रहे हो, वो भी आ रहा है। तो तुम क्या देखना चाहते हो वो, अगर कहीं पहली बार तुम यूट्यूब खोले तो क्या क्या वीडियो आएंगे? कुछ कुछ आएंगे, कुछ सॉन्ग आ जाएंगे, कोई पढ़ाई का आ जाएंगे, कुछ गेमिंग का आ जाएगा। लेकिन अगर 2-4 वीडियो देख लिए, मान लो कि 10 देख लिए, तो तुम्हारे बारे में, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में देख लिया, वो पूरा स्कैन कर लिया, ये किस लेवल का है, किस लेवल का आदमी है, ठीक है। तो अब दूसरे बार जो खोलते हो क्या होता है, वही सब आता है जो देखे हो। अब मेरे मोबाइल के होम पेज में यूट्यूब में आएगा क्या आएगा? दूसरा आएगा, तुम्हारे में दूसरा आएगा, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर तुम जितना जानते हो उससे ज्यादा नेट तुमको जानता है कि नहीं? तुम लोग ये समझे नहीं हो तो बोलता है। इसलिए तो एजुकेशन का मतलब क्या होता है, सोचना, कैसे सोचते हैं, कौन मुझे सप्रेस कर रहा है, कौन मुझे डिप्रेस कर रहा है, कौन मुझे डिमोटिवेट कर रहा है, कौन मुझे मोटिवेट कर रहा है, ये तुमको पता होना चाहिए। जब रियल एजुकेशन आप लोगों को पता होगा, तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा नंबर लाना। तो पहले मैं सोच रहा था कि पढ़ाई का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा नंबर आना, 99 लेके आना, 100 लेके आना, ये सोच रहा था। लेकिन मैं वो नहीं सोच रहा हूं कि मुझे कमी पता हो, लेकिन वो चीज पता हो जो मेरे जरूरी है। तो ये भी डिफाइन करना पड़ेगा किस चीज में हमको नॉलेज लेना है, किस चीज में हमको नहीं लेना है। अब सब चीज तुमको पता होगा नहीं, तो आप लोगों को क्या करना है, समझना है, हर चीज को समझना है। रट्टा मारे कुछ नहीं होगा, अब पूरा याद रख के भी कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों को हर तरह से सोचना है। पढ़ाई का मतलब क्या है, एक दिन बताया, बहुत पहले मैं बताया भी हूं कि सोचते कैसे है, कैसे सोचते हैं। कुछ तारीफ क्या होता है, लोग जो है होते हैं आसपास, आपके पास आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कुछ काम लेने के लिए जो है तारीफ कर रहे हैं, आप इन्फ्लुएंस हो गए, ठीक है, बोलते हाँ बहुत अच्छा बोल रहे हो, इसका काम तो करना पड़ेगा, वही तो आपको, आपसे चाहता है वो। तो क्या करना होगा, वो समझ लेना होगा, पहले स्कैन कर लेना होगा आदमी ये क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। तो आप लोगों का ना और हा जो है क्लियर होना चाहिए, हाँ तो हाँ, ना तो ना। पढ़ाई का मतलब यही होता है कि हर चीज एनालिटिकली देखना, हर चीज प्रैक्टिकली देखना, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी साथ कैसे बात करना है। पढ़ाई का मतलब ये भी होता है किससे क्या सवाल पूछना है। जो आदमी इंटेलिजेंट है वो बेवकूफ से सीख लेगा, क्या सीखेगा बोलो, ये जो कर रहा है ये हमको नहीं करना है, ये हमको नहीं करना है। और किससे क्या सवाल पूछना है, कोई मान लेते हैं हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो हमको वही उसी आदमी से पूछना है जो आदमी बिजनेसमैन ऑलरेडी है। अब मुझे पूछोगे सर कि हम एक जो है कपड़े की फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, आपका क्या आइडिया है, क्या ओपिनियन है? तो अगर मुझसे तुम ले रहे हो तो बेवकूफ तुम हो, मैं नहीं हूं, मैं पूछा मैं जवाब दे दिया। तो मुझसे अगर कोई इस तरह का सवाल पूछा मैं बोल देता हूं कि तुम गलत आदमी से गलत सवाल पूछ रहे हो, है कि नहीं?
तो मुझसे पढ़ाई रिलेटेड पूछो कि मध्य में कैसे रिजल्ट किया जाए, लाइफ में कैसे पढ़ा जाए, इंग्लिश में कैसे किया जाए, वो मैं बता सकता हूँ और बताऊंगा भी। लेकिन तू पूछ रहे हो कि ये कैसे किया जाएगा, बिजनेस कैसे किया, तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन तुम लोगों के साथ बैठ करके मैं डिस्कस कर सकता हूँ कि उसे कैसे किया जाता है, कुछ नेट में इंफॉर्मेशन लेकर के कर सकता हूँ। तो मैं ये सारी बातें जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, तो कैसे सोचना है, कैसे क्या करना है, किससे क्या बात करना है, बच्चों से कैसे बात करना है, बूढ़ों से कैसे बात करना है, बात करने की तमीज है ना जी, ज्यादा हंसना भी नहीं है, लेकिन हंसने का टाइम हंस लो पूरा खुल के, लेकिन जब कोई बात हो रही है सीरियसली सीरियसली सुनो। किसी से कोई पूछना है तो पहले सुन लो, तुम मान लेके तुम अपना ही करोगे, लेकिन पहले सुन लो उसको क्या कह रहा है। तो और माँ बाप को गिफ्ट अगर देना है तो अच्छा से एग्जाम दोगे। और तुम लोग बोलते हो कि सर जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आ जाती है, नींद आ जाती है ना, क्यों आती है? क्योंकि तुम उसका कोई विजन नहीं है, पढ़ाई से रिलेटेड तुम्हारा विजन नहीं है कि हमको पढ़ाई करके ये करना है, वो करना है, ये करना है, तुम लोग कोई विजन है नहीं। अगर विजन होगा तो क्या होगा, नींद नहीं आएगी, दो वजह से नींद नहीं आएगी। अगर टेंशन लेते हो कि पढ़ाई में कुछ अच्छा करना है, लेकिन तुमने जूही किताब खोले, सबसे बड़ा नशा क्या है सर, किताब, क्या है, किताब है, तो मैकबुक। अब मैकबुक होता है क्या, बोलता है ये मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब कौन बनाएगा। तो मुश्किल मत कहो, तब तक मुश्किल है जब तक जानते नहीं हो। जो साइकिल चलाना सीख लिया उसके लिए कितना आसान है, बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि हर चीज जानते हो। माइंड जो है बहुत पावरफुल चीज है, कौन कैसे उसको यूज करता है वही आगे बढ़ेगा। सब मुकेश अंबानी नहीं है, सब रतन जी टाटा नहीं है, सब इलोन मस्क नहीं है, सब बिल गेट्स नहीं है, और होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा, क्यों, लोग बिल्कुल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स समझे, कुछ उसका जो सोचने का जो कैपेसिटी है कुछ बाहर से सोच रहा है, बाहर बाहर जाकर के ऐसे सोचता है, तो सब वो बन नहीं पाएगा। लेकिन उनके साथ रहने से, उनकी बातें सुनने से उनके आसपास तो चले जाओगे। ये संगति का असर जानते हो ना, माँ बाप बहुत सारे पढ़े लिखे माँ बाप क्या होते हैं, बच्चों को जो है शहर पढ़ाने ले जाता है, क्यों ले जाता है, ऐसा नहीं कि शहर के टीचर जो है पूरा घुल के पिला देगा क्या, लेकिन क्या होता है, वहां एनवायरमेंट वैसा है, वैसे माहौल है, वैसे बच्चे हैं, तो इसलिए शहरों में जाने से माहौल जो बच्चे से आगे बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर जो टॉपर है तो वहां पर क्या होगा, वो मीडियम होगा शहर में जाने से, तो वो मीडियम होने की वजह से क्या होगा, उसको देख देख कर सीख लेगा, ये बहुत आगे, इसका देख देख कर सीखना पड़ेगा। तो गांव में हम लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वैसा है नहीं, पूरा एनर्जी हमारा ही एनर्जी ज्यादा है, बाकी लोग ले लेता है। अब घर में हम लोग डिमोटिवेट है, लेकिन घर में सब डिमोटिवेट है, गए मेरे मुझे भी डिमोटिवेट कर दिया, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा वो ऐसा कर रहा। तो माहौल बनाना, माहौल बहुत जरूरी है। बोलता है इलोन मस्क तभी वो आगे बढ़ा, उसका वैसे इन्वायरमेंट मिला है, वो अगर इंडिया में होता नहीं कर पाता, कहीं नहीं पाता। तो बहुत सारे स्टार्टअप जो है, बहुत सारी कंपनी जो है शहरों में, मुंबई में, बेंगलुरु में जाके सक्सेस हो जाता है, क्यों, वैसा वो इन्वायरमेंट है, वैसे लोग मिल जाते हैं वहां पर। तो संगति का असर बहुत है। अगर 1 करोड़ कमाना चाहते हो, जो लोग 1 करोड़ कमाए उनके आसपास रहना पड़ेगा, तभी 1 करोड़ कमाएगा। 1 करोड़ तो नहीं कमाओगे, 70-80 लाख कमा लोगे। अगर किसी का 99% लाना चाहते हो, तो जो 99% लाया है उनके साथ कुछ दिन रहना पड़ेगा, उनके हैबिट्स लाना पड़ेगा, तो क्या होगा, तुमसे भी वो सब चीज हो जाएगा, है ना। तो पढ़ाई करोगे और नींद नहीं आएगी ना, विजन बनाओ कि पढ़ाई करके हमको ये करना है, ये अचीव करना है, वो करना है, हमको ग्रो करते रहना है लाइफ में, कुछ ना कुछ अचीव करते रहना है लाइफ में, ऐसे ही बैठे नहीं रहना है। दो चॉइस होता है रात को जो ड्रीम देखते हो, दो चॉइस क्या होता है, एक तो रात को उसी को देखो, सपना को पूरा करते रहो, या फिर उठ करके उसको फॉलो करो। अब तुम लोग कौन लेना चाहते हो, पहले वाला ना दूसरा वाला, तुम लोग पहले वाला लेते हो, लेकिन रियल दुनिया में जब जाओगे बहुत सारे पावर बनना पड़ेगा उसमें आगे। तो आप लोग जितना है एग्जाम दीजिएगा अच्छे से, बहुत जरूरी है, टाइम को मैनेज करना भी है, टाइम बहुत जरूरी है, टाइमिंग मनी, टाइमिंग मनी तब जब एग्जाम में पता चल जाएगा एग्जाम में टाइम की वैल्यू क्या है। मेरी बातों को यही से समाप्त करता हूँ, उसी ऑल द बेस्ट।